Hey guys, this is Vandana. Welcome to my channel Vandana's Lifestyle. So friend, happy Women's Day to all beautiful ladies. So today is the Women's Day. Stay safe and stay happy. Stay safe इसलिए क्योंकि पता होगा आप सबको आजकल हमारे समाज में जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती है तो उसे लेकर हम कितने ज़्यादा चिंतित है. सिर्फ चिंतित ही नहीं है, हम मन ही मन हमारे मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया है कि कैसे हम अपने आप को इस सोसाइटी में सिक्योर कर पाए. तो उससे पहले हम अपने आप को सोसाइटी में सिक्योर करें, उससे ज़्यादा ही हम अपने आप को अपने घर में सिक्योर करें. सो अपने घर में सिक्योर तो हम नहीं हैं तो बाहर कैसे सिक्योर हैं. तो कैसे हम अपने आप को सिक्योर करें तो छोटा सा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर घर में कोई बेटा है, घर में बेटा है बेटी दोनों है तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो बेटे को देते हैं, यानी लड़के को देते हैं. तो लड़के अगर देर रात तक बाहर घूमे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर लड़की अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए, शाम से पहले घर वापस नहीं आई होगी, तो हम फैमिली मेम्बर्स 100 सवाल उसे पूछते हैं, कहाँ गई थी, किससे मिली, इतना लेट क्यों हुई, तो वगैरह वगैरह. अगर वही सवाल हम अपने लड़के को पूछें तो हम उसे भी तो सवाल का जवाब देना ज़रूरी है ना, क्योंकि घर में अगर लड़की देगी हर सवाल की जवाब तो लड़के क्यों नहीं देंगे. तो अगर शाम से पहले लड़की घर वापस आएगी तो फिर लड़के क्यों नहीं वापस आएंगे. तो पेरेंट्स इस छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वो लड़का है, वो देर रात तक कहीं भी किसी के साथ भी घूम सकता है, पर लड़की हो तुम नहीं लेट रात तक घूम सकते. तो एक छोटा सा ये जो हमारा मेंटालिटी है इसे चेंज करना ज़रूरी है, तभी हम घर में सिक्योर हो पाएंगे. क्योंकि सबसे पहले रेस्पेक्ट जो हमें मिलता है ना वो अपने घर से ही मिलता है, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, तो फैमिली में कोई भी मेम्बर हो तो उनसे ही हमें पहला जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए ना, तो फैमिली से ही मिलना चाहिए. तो फैमिली में अगर ये सब जो है ना थिंकिंग अगर रहेगा तो लड़का लड़की में, आजकल तो नहीं है फिर भी बहुत सारे फैमिली में है, ऐसा नहीं कि हर कोई थिंकिंग जो इतना ब्रॉड है, बट इतना बात तो नहीं है, बट बहुत सारे फैमिली में अभी भी ऐसा ही सोचते हैं, लड़का है तो उसे तो देर रात तक बाहर घूमना है, बट लड़की शाम से पहले घर वापस आ जाना है चाहिए. तो आज का वुमेंस डे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हम तभी सिक्योर और सेफ रह पाएंगे अगर हम अपने फैमिली में अगर सेफ हो, उसके साथ साथ हमारा ये जो थिंकिंग है अगर उसे हम थोड़ा सा ऊपर उठे, यानी कि लड़के या लड़की में फ़र्क ना समझे. अगर हम खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरे हमें रेस्पेक्ट क्यों देंगे, है ना. तो वही बात, अगर हम अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उस पोजीशन में हम अपने आप को नहीं रखेंगे तो दूसरे हमको रेस्पेक्ट नहीं देंगे. तो चाहे हम लाख काम कर ले मगर हम लड़की है तो हमेशा नीचे ही रहेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. अगर अभी का ज़माना आप देख रहे होंगे तो लड़की सबसे तेज़ है, फिर भी कुछ लोग सोचते हैं जो भी हो लड़की तो है ना, चलिए लड़का हो या लड़की है उसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अच्छे इंसान होना चाहिए चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो. तो बस यही था वुमेंस डे में, मैं चाहती हूँ हर वुमेंस को रेस्पेक्ट मिले अपनी फैमिली से सबसे पहले, फिर दूसरों से. चल पहले अपने आप को रेस्पेक्ट दें फिर दूसरे हमें देंगे. बाय बाय.